तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक नया दिन, नया सफ़र शुरू हो चुका है हमारा शिमला टू मनाली। और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है भाई 12:54। तो भाई हम निकल रहे हैं अभी मनाली के लिए, और हमारी बाइक खड़ी थी यहाँ पर, तो एक बड़ा दुखद समाचार है। तो भाई ने पार्किंग लगवाई थी, जिनका होटल है उन्होंने यहाँ पे पार्क करवाई थी, बट अभी सुबह पुलिस वाले आए तो उन्होंने भाई चालान कर दिया हमारी बाइक का। तो बाकी हमने सामान वामान लोड कर लिया है और पूरा 1000 रुपये का चालान कराया खड़ी बाइक का। बाकी यहाँ पे कोई मसला नहीं है, आप फोर व्हीलर वगैरह इतनी नहीं आती है, मेन रोड भी नहीं है, एक छोटा सा पतला सा रास्ता है, उसमें भी भाई चालान कर दिया हमारा। बट कोई नहीं भाई, हमने चालान अभी भर दिया है क्योंकि हम अभी मनाली के लिए निकल रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी अगर चालान नहीं भरेंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं भाई, सफ़र शुरू करते हैं मनाली के लिए। तो बने रहे भाई ब्लॉग में। स्टार्टिंग ही हमारी थोड़ी सी ख़राब हुई है सुबह सुबह की, चालान के साथ 1000 रुपये का चूना लग चुका है, बट कोई नहीं, चलो भाई सफ़र को शुरू करते हैं, मिलते हैं आप सीधा बाइक पर। भाई अभी हम निकल चुके हैं शिमला से मनाली के लिए, और भाई सुबह सुबह जो कि हुआ है हमारे साथ बड़ा ख़राब हुआ। बगल में जो दुकान थी एक और, वो बोल रहे यही बुला के लाया था चालान कटवाने के लिए। भाई खड़ी गाड़ी का चालान कट गए बिना फालतू 1000 रुपये मार दिए। लेकिन इस होटल में भाई कभी कोई मत रुकना, जितने भी आओ मेरी वीडियो जो भी देख रहे हो, इस होटल में मत रुकना भाई, बेकार है। एक तो पहली चीज़ पार्किंग नहीं है इनके पास, बट कोई नहीं, मेरे स्पीड हीरोज़ होता रहता है, चिल मारो भाई, इन्जॉयमेंट करो। ये तो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ट्रैवलिंग में, तो जाने क्या क्या होता है। ये देखे भाई सुंदर नगर की सुंदरता, क्या खूबसूरत झील सी बनी हुई है यहाँ पर, और बड़ी बेहतरीन लग रही है। एक व्यू पॉइंट भी लग रहा है मुझे, ये ज़्यादातर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं। काफ़ी बड़ा है सुंदर नगर, मैं कह रहा था भाई कस्बा टाइप का है, कस्बा टाइप का नहीं है, बहुत बड़ा सिटी है सुंदर नगर। तो भाई अभी हम सुंदर नगर पार करके आ गए हैं, और अभी यहाँ से बचा हुआ है मनाली 111 यानी कि 111 किलोमीटर, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रोड है और बहुत बेहतरीन बना हुआ है, 4 लेन रोड, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। बाकी हमें लगने लगी है भाई अभी भूख, तो कहीं लगाते हैं गाड़ी और करते हैं स्टे थोड़ी देर, और खाना वाना खाते हैं उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि सुबह का नाश्ता करे हुए निकले हैं भाई हम लोग। टाइम हो रहा है 5:02, तो अभी कहीं होटल वगैरह पे लगाते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो भाई ये आ गए सुकेती खाट रिवर, और इस रिवर के अंदर पानी वानी तो कुछ है नहीं, इस साइड में पानी है थोड़ा सा, और उस साइड में तो एकदम सुकेती तो सूखे ही पड़ा है, जैसा रिवर का नाम वैसी रिवर के हाल। और ये लीजिए भाई हम आ गए मंडी, और मंडी भी एक टूरिस्ट प्लेस है, ये भी कुछ ऐसी टेढ़ा मेढ़ा बसा हुआ है शिमला की तरह, ऊँचे नीचे मकान, तो देखें कैसे पहाड़ों के ऊपर मकान बने हुए हैं। तो भाई अभी आ चुकी है बैस रिवर, और यहाँ पर हो रही है ऑफ रोडिंग थोड़ी सी, और देखते हैं कहाँ तक है ऑफ रोडिंग। और बैस रिवर है आगे, ये रही भाई बैस रिवर, ये देखें ये चेक करें, और बहुत ही ख़तरनाक ऑफ रोडिंग आ गई है भैया, क्या ही मज़े आ रहे हैं यार, बस अल्लाह रहम व करम करे हमारी बुलबुल पर। तो काफ़ी अच्छा फील आया अभी ऑफ रोडिंग करके, ऐसा लगा भाई जैसे हम लद्दाख ट्रिप पर निकले हुए हैं, असली राइड का फील तो भाई यहाँ पर मज़ा आ रहा है। ये लीजिए ऑफ रोडिंग, शानदार व्यू, बेहतरीन नज़ारे, सामने पहाड़ का व्यू हम, और ये देखें भाई पत्थर पत्थर काटे जा रहे हैं यहाँ पर, रोड और चौड़ा हो रहा है, ये रोड बन रहा है एक और, तो अगली बार आएंगे इंशाल्लाह तो पना बनाया मिलेगा ये पूरा। बाकी वेस्ट रिवर देखें, क्या खूबसूरत पानी जा रहा है, एकदम भाई आर पार दिख रहा है पानी के, एकदम वाइट रखा हुआ है पानी, और सामने देखे भाई एकदम पहाड़ों का नज़ारा, पास अगल बगल भी पहाड़ और ये पत्थर, तो यहाँ से निकल लेते हैं, ये पत्थर एक लटका हुआ सा दिख रहा है। सच में भाई सिटियों में कुछ नहीं रखा, असली मज़ा तो पहाड़ों में है। ओ भाई चेक द व्यू, क्या ये खूबसूरत टनल है यार, ये देखिए अभी काम चल रहा है टनल के अंदर, और ये कैसी टनल है, क्या खदान वगैरह है, ये क्या है मसला, दो दो बनी हुई है यार, काफ़ी गहरी गहरी टनल्स बनी हुई है, ये देखो भाई इसके अंदर बहुत थोड़ा मसला है यार।
ये देखे भाई क्या ही मंजर है, और कितने ज़्यादा बेहतरीन और कितने ज़्यादा खूबसूरत भाई रोड बनाए हैं यहाँ पर। और यहाँ का व्यू, यहाँ का बस व्यू ये भाई जो कि चार चांद लगा देता है यहाँ पर खूबसूरती में। बहुत ही प्यारा व्यू है भाई, बहुत ही प्यारा व्यू है, पहाड़ों का इलाका। मेरे कहने से तो भाई आप लोग एक बार ज़रूर आओ इन रोडों पर, जो नहीं आया हो तो भाई वो ज़रूर आए एक बार, उसकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा ये मेरी अभी तक का लाइफ का। जब अभी तक मैं भाई जितनी भी जर्नी की है, जितनी भी ट्रिप वगैरह मारी है, वैसे तो मेरी स्टार्टिंग ही यही है, लेकिन जब से देख रहा हूँ बचपन से अभी तक, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है और जो मुझे हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि ये सबसे पहला एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का। ये आगे ऑफ रोडिंग, तो बीच बीच में ऑफ रोडिंग भी आती है, चिकने रोड भी आते हैं, बेहतरीन रोड भी आते हैं, ये सब कुछ कम्बाइंड है यहाँ पर। ये सामने का व्यू और ये साइड से निकला हुआ रोड, ये पहाड़ों का मंजर, ओहो तबाही है भाई, तबाही है। ओ भाई ये आ गई फाइनली टनल, और इस टनल का नाम मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है और टनल के अंदर काफ़ी रोशनी हो रही है। और टनल देखें क्या ही खूबसूरत टनल है यार। एक मेरा भाई सपना था कि टनल के अंदर बाइक चलाऊं और वो मनाली और लद्दाख की तरफ वाली टनल की तरफ, तो आज वैसी एक टनल मिली है। मैप में भी इस टनल का नाम मेंशन नहीं है, पता नहीं कौन सी टनल है ये, बट लेकिन बहुत बेहतरीन टनल है। कि आप भी इंजॉय करें टनल के अंदर, क्या खूबसूरत नज़ारा है, बेहतरीन। अभी काम वाम चल रहा है इसलिए धुंध हो रही है थोड़ी टनल के अंदर, और ठंडक काफ़ी है भाई। मैं समझ रहा था छोटी सी होगी, यहाँ से घुसेंगे उस तरफ से निकल जाएंगे, पर बहुत लंबी टनल है ये तो। भाई अभी हम आ चुके हैं कुल्लू, और ये कुल्लू का व्यू चेक करिए, कुल्लू शहर है ये, और दिन में तो कुछ अलग ही होगा, बाकी रात हो गई है, तो इंशाल्लाह देखो लौटते हैं, विजिट करेंगे कुल्लू, देखेंगे कुल्लू कैसा है। निकलवा लेते हैं यहाँ से फ्यूल, क्योंकि फ्यूल हो गया है कम बाइक में। तो भाई कैसे हैं आप लोग, अभी हम रुके हुए हैं भाई एक मनाली से पहले रेस्टोरेंट पड़ा हुआ है यहाँ पर चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, उंगलियाँ सुन पड़ रही हैं एकदम, ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है भाई गलन टाइप की। तब यहाँ पर चाय वाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ पर। बाकी हमारी बुलबुल भाई माशाल्लाह बहुत ही तगड़ी है, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ रही है, हमारे कंधे से कंधा मिला के चल रही है बहुत तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ी है। बाकी देखें नीचे कितनी गंदी गंदी हो गई, और हमारा ये पीछे हेलमेट बन रहा था, हेलमेट के हालात देखे भाई, अमन भाई का जो हेलमेट था घर से लेकर आए थे। तो अभी यहाँ से चाय पीते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, और हेलमेट वेलमेट सब यहाँ रख दिया है। अमन चले गए भाई अंदर आईपीएल देखने, बोल रहा आईपीएल देख रहे हैं, मैंने दो गेंदे देखने से क्या फ़ायदा भाई, तो आईपीएल देख रहा है, बाकी थकान भी हो गई यार। और यहाँ से बचा है तकरीबन 9-10 किलोमीटर अभी हमारा होटल, तो सीधा होटल पर मिलते हैं, होटल पर लगाते हैं भाई बाइक। भाई अभी हमारी आ गई फाइनली चाय, और काफ़ी सुकून मिल रहा है चाय को देख के, ऐसा लग रहा है भाई जल्दी से पूरी पी जाओ, लेकिन गर्म हो रही है। अभी टेस्ट करते हैं चाय कैसी है, चाय तो टेस्टी है भाई, कैसी है भाई चाय, धुआं निकल रहा है अभी इनकी चाय में धुआं निकल रहा है, इन्होंने टेस्ट नहीं किया, तो चाय भाई पी के फिर इसके बाद निकलते हैं यहाँ से। धूल मिट्टी में सन गए भाई पूरे, काफ़ी ख़तरनाक रास्ते थे, बहुत ही बंजर ज़मीन मिली साथ में, बाकी आपने देखा ही होगा कैसा कैसा रोड था और कहाँ कहाँ हम लोग गए, चलिए चलते हैं फिर। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने होटल रॉयल रेसिडेंसी, यहाँ से बच्चा है 5 मीटर दूर, और लोकेशन हमारी बंद हो गई, कह रहे पहुँच गए। और ये है भाई यहाँ पर पार्किंग वार्किंग का भी सिस्टम है, यही है, हाँ यही है भाई। तो यहाँ लगाते हैं पहले बाइक, अंदर पहले बात करते हैं, उसके बाद भाई सामान वामान खोलेंगे। तो आ गए भाई अपने होटल, और यहाँ बात करते हैं पहले। तो फाइनली गाइस अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ चुके हैं अपने रूम पर, और भाई बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, और सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बस बर्फ़ गिरना ही बाकी है। और हालत देखिए, आपको हालत दिखाते हैं क्या हो रखी है इस टाइम, ये देखिए भाई अंधेरा हो रहा है, लेकिन हालत देखिए क्या हो रखी है। हाँ मन देखो भाई कोने में बैठ के, हाँ क्या हो गया क्या हो गया, गर्मी भाई उधर कोने में बैठ के जब से कप कप आ रहा है, और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है अभी। और तकरीबन टाइम हो गया भाई 9, तो अभी यहाँ से कपड़े वपड़े उतारते हैं, चेंज वेंज करते हैं, और कुछ खाने वाने के लिए देखते हैं। तो अभी कराते हैं भाई अपना रूम टूर आपको, ये देखें हम।
तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और देखते हैं मनाली में हाइक क्या क्या है और आपको भी दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला होगा मनाली टूर का। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।